पहले जब नाभि से श्वास तक बात हो रही थी तो क्वेश्चन है अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी श्वास नाभि तक लेके जाना है? ठीक है, नाभि तक लेके जाना है, वो अपने आप 2 इंच नीचे टच होता है स्वाधिष्ठान से, आपको टेंशन नहीं करनी, आपका नाभि तक पहुंच गया आपका काम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर किसी व्यक्ति के से बात करने में भी भय आता है तो हम किस फ्लोर पे हैं और उस वक्त क्या करना चाहिए? जब किसी से बात करते हुए भय आता है तो आप भी नीचे की फ्लोर पे चले गए और वो ऊपर की फ्लोर पे, वो जीतेगा ही जीतेगा, आपको परमात्मा की फ्लोर पे जाना है, इसमें परमात्मा भी तो ट्रेवल कर रहा है, ये तो सिलेबस खा गया मैं क्योंकि टाइम ही नहीं है, इतनी लंबी क्लास जा रही है, इसमें परमात्मा भी बैठा है लिफ्ट में, आपको सोचना है ये भय ले रहा है, ये ज्ञान का ज्ञान भी बैठा है, अगर ज्ञान बटन दबाएगा तो क्या करेगा, अच्छा ये आदमी फिर आ गया, ये साला डराने के लिए रखा हुआ है, पता नहीं पिछले जन्म में किया होगा, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है वो, बहाने ढूंढता है ताकि तृप्त हो जाए मुन्ना, अरे कुछ नहीं यार पिछले जन्म में तुमने इसे गाली बोली इसने तुझे बक दी, शांत हो गए, कितना शांत है, कितना आसान है, नीचे विज्ञान है ऊपर ज्ञान है, विज्ञान शरीर है क्रिया है, ज्ञान ऊर्जा है। गुरुजी थिंग्स गो वेल एंड ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग चेंजेस, इज इट अस और पीपल अराउंड अस और प्रारब्ध, इफ प्रारब्ध हाउ डू वी चेंज, इफ इट इज अस हाउ डू वी फिक्स? चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, अचानक से बुरी हो जाती हैं, तो ये लोगों की वजह से है या प्रारब्ध की वजह से, और प्रारब्ध की वजह से ठीक कैसे करें, चीजें अच्छी चल रही हैं किस कैसे पता, बस जैसे ये पता लग गया ना कि अच्छी चल रही है सहज रहो, अच्छी चल रही है तो भी चल रही है, कब तक चल रही है उसकी मर्जी, कैसे मरते हैं हम सब, अचानक मर जाते हैं और कुछ होता है उससे पहले, कई बार तो कुछ भी नहीं होता, हमारा जीवन हम नहीं चला रहे, हमारा जीवन कोई और चला रहा है, अगर इस गलत फहमी में हम चला रहे हैं तो अहंकार आएगा, छेनुवन हो जाएगा, आपके जीवन में ऐसा होता है कई बार किसी से नफरत है, गुस्सा करने का मन है कर नहीं सकते, किसी को लगता मारी दे मार नहीं सकते, किसी से प्यार है प्यार करना चाहते हैं प्यार नहीं कर पाते, जब गुस्सा करने का टाइम होता तब करते नहीं, जब प्यार करने का टाइम है तब होता नहीं, जब नहीं करने का तब हो जाता है, यानी हम तो ये नहीं कर रहे, अंदर बैठा कोई करवा रहा है, प्रकृति करा रही है, प्रकृति के ही हिस्से है सारे, कोई है जो करवा रहा है, हमने शब्द दे दिया छेनू मुन्ना फलाना ढिमकाना चमको, पर ये कोई और कंट्रोल कर रहा है हमारी लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस है हमारी लाइफ हम ही चलाएं, मामा ना चलाए, चमको ना चलाए, पड़ोसी ना चलाए, अब प्रारब्ध चलाए तो हम उतना ही चलने दें जो 12% है, वही प्रारब्ध को शीर्षित करने का तरीका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट कैन बी डन टू रिमूव अ फीलिंग ऑफ कंपटीशन एंड ईगो बिटवीन इन-लॉज एंड सेल्फ, इफ इन-लॉज आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन हैप्पीनेस एंड देयर डॉटर्स, इज इट हंगर फॉर कंट्रोल, what to do, what can be done to remove the feelings of competition? ये कह रहे हैं कंपैरिजन करने की फीलिंग को कैसे हटाया जाए, यदि मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि उनको अपनी बेटियों के साथ ही प्रसन्न रहना है तो मेरा कोई स्थान नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, तो मैं इस फीलिंग को कैसे हटाऊं अपने अंदर से, ये फीलिंग आप में आनी नहीं चाहिए, सास आपकी थोड़ी है, सगी थोड़ी है, वो तो आपके पति की माँ है, आपकी माँ तो है ही नहीं, तो कहां से फीलिंग ले आया, बहू आइए बहू आइए, वो आपके बेटे की बीवी है, आपके घर की कौन है, कुछ ना, वो आपकी तो लगती कुछ ना, आपको खुद ही नहीं जुड़ना, आप जुड़े ही गलत हो, कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बेटियों और बीवी के बीच कंपटीशन होगा, नो नेवर। गुरुजी समाधि क्या होती है, ध्यान करते समय समाधि लग जाना क्या होता है, ओशो ने भी समाधि के बारे में कहा है, बताओ यार समाधि क्या होती है, ध्यान करते वक्त समाधि लग जाए तो क्या करना है, ओशो ने भी समाधि के बारे में क्या कहा है, अब यार बताओ क्या ओशो का नाम ले लिया, कहां ओशो और कहां हम हैं, जब कह ही दी ओशो ने तो हमें क्या कहना है, कुछ राय नहीं कहने को, ओशो को ही सुन लो, ओशो को सुन लो, ओशो ने जो कह दिया वो कोई नहीं कह पाएगा, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं तो अपना दिमाग जो प्रोसेस करेगा उसमें भी कहीं ना कहीं ओशो होगा, क्योंकि सबने सुना होता है ओशो को, वो यही होगा कि जब ध्यान लगा लिया, ध्यान लगाने का मतलब क्या है, लिफ्ट कहां है मेरी, लिफ्ट कहां है मुझे पता है, ओ ध्यान से चला रहा हूं मैं लिफ्ट, ध्यान से पेपर दे रहा हूं बेटा, ध्यान से पेपर देना, ध्यान से पेपर देने का मतलब कहां है, डर तो नहीं रहा बेटा पेपर देते हुए, बेटा सेल्फ इंप्रेस तो नहीं हो रहा, अहंकार तो नहीं कर रहा, नहीं मम्मी पेपर दे रहा हूं सिर्फ, पेपर फर्स्ट क्लास होगा, समाधि का अर्थ क्या है, क्या वहीं समाधिष्ठ वहीं स्थापित हो गए, आप वहीं स्थापित हो गए, आपने अपने लिफ्ट को एक फ्लोर पर रोक लिया और सेट, कृष्ण ने एक फ्लोर पर रोक लिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस सेट, अर्जुन ने फ्लोर पर रोक लिया, मैं चुपचाप फॉलो करूंगा, नो इफ नो बट ओनली सन्नी देओल एंड जट, कहां से आ गए बीच में, लिफ्ट में कोई भी आ जाता है,
सर झूठी तसल्ली देने को मन नहीं मानता तो क्या करें? झूठी तसल्ली देने को मन नहीं मानता तो क्या करें? मन मानता किस बात को हमारी? मन अपने आप सोचता है, अपने आप ईर्ष्या लाता है, अपने आप क्लेश रहता है, हमें ही मनवाता रहता है। हम ही उसको ध्यान ना दे तो फुस हो जाता है, हम ही तो ध्यान देते हैं। मन हमारा हमारी मानने के लिए नहीं है। जब तक ये एक्सरसाइज नहीं करोगे कि मुन्ना से बातें करी, मुन्ना एक अलग व्यक्तित्व अंदर पड़ा हुआ है, तब तक ये मुन्ना सेट नहीं होगा, सेटिंग ही नहीं होगी। वो किसी की बात नहीं मानता, किसका मानता है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी किसी काम को कल करेंगे और वो करते ही नहीं, या मुन्ना करता है, या मुन्ना करता है या टिंकू आलस करता है? जिस काम को हम कहते हैं कल करेंगे उसको मुन्ना करता है, टिंकू करता है, क्या करता है? आपकी कमांड बड़ी क्लियर है, आपने सीधा बोला है कल करेंगे, तो जब करेंगे तो कल ही तो करेंगे, तो जब भी करने बैठते हैं तो कल ही करनी होती है। तो कॉन्शियसनेस जो आपकी ट्रेवल की है अंतरिक्ष में, वहां कमांड ये गई है ये कल हुआ, आपने निर्धारित किया नहीं। हम कैसे बड़े हुए, हमारा बस ही नहीं है। हमारी जवानी कैसे आई हमें पता ही नहीं, हम बुढ़ापा कैसे हुआ पता ही नहीं। आप नीचे की फ्लोर पे रहो, आप नेगेटिव एनर्जी से भर जाओ, देखो कितनी स्पीड से बूढ़े हो जाओगे। नीचे डेथ है ना, मृत्यु। जितने लोगों को नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं ना, सबको साउथ फेसिंग मकान मिलता है ऑटोमेटिक। ये साउथ है ना हमारा, ये हमारा नॉर्थ है, ऊपर कहाँ है हमारा, यहाँ है ना नॉर्थ। ऊपर वाला कहाँ रहता है? ऊपर वाले तेरा ही आसरा, ये रहा ना ऊपर वाला, लिफ्ट ऊपर लेकर आओ ना, ये ऊपर वाला है। ऊपर वाले का है नॉर्थ, नीचे का है साउथ। आप इसके नीचे के चक्कर पे आपको साउथ फेसिंग मकान मिलेगा अपने आप ही। फिर आप कहोगे गलती से ले लिया, पता ही नहीं चला। आपको पता चलता कहाँ है? ये चक्र जहां से निर्देश दिलवा रहे हैं अंतरिक्ष से, वही तो हो रहा है और वही तो होगा, इसीलिए साउथ का मकान है। इसीलिए गलत फैसले हैं, क्योंकि आप डर डर के काम कर रहे हो, लालच से कर रहे हो, लोभ से कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक है।